हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं लेकर आया हूं आपको स्मार्टफोन इन मार्च 2021 के अंदर कौन सारे फ्लैगशिप फोन मार्च के अंदर लॉन्च होने वाले और इसके अंदर आप कौन से 5G वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं और आप एक न्यू स्मार्टफोन, एक बजट स्मार्टफोन और एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो सिर्फ आपके लिए। बात करें सबसे पहले रियलमी के बारे में। रियलमी अपने रियलमी GT रेस इस बार से लॉन्च कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। साथ में इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट देखने को मिल सकता है, 5000 mAh की बैटरी और एक बजट सेगमेंट के से फ़ोन आप कह सकते हैं, एक 5G फोन हैंडसेट होगा। साथ में रियलमी की पॉपुलर सीरीज रियलमी 8 इसे भी जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अंदर आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, रियलमी 8, 8 प्रो और 8 प्लस। इसे आई थिंक, मुझे लगता है कि इसे 2 मार्च या 3 मार्च को इसे लॉन्च किया जा सकता है। आपका कहना है रियलमी के बारे में, रियलमी 8 एंड 8 प्रो के बारे में और रियलमी GT रेस के बारे में? देखते हैं। इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा देखने को मिल सकता है रियलमी 8 के अंदर। बात करें Xiaomi के बारे में, Xiaomi की सबसे पॉपुलर सीरीज Mi 11 एंड Mi 11 Lite दो स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसे चाइना में लॉन्च कर दिया गया, अब इंडिया के अंदर इसे लॉन्च किया जा रहा है। इसे 2 मार्च के लॉन्च किया जा सकता है, 2nd वीक क्या। इसके अंदर आपको Mi 11 और Mi 11 Lite दो स्मार्टफोन के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर। साथ में इसके अंदर सबसे पॉपुलर सीरीज रेडमी का बहुत ज़्यादा लोग इसका वेट कर रहे थे, जो कि रियलमी नोट 10 सीरीज। इसके अंदर आपको नोट 10 प्रो देखने को मिल सकता है। आप दोनों में से कौन सी सीरीज का वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। आप चलते हैं ओप्पो की तरफ। ओप्पो अपनी सबसे पॉपुलर सीरीज ओप्पो F19 सीरीज जल्दी लॉन्च कर सकती है। इसके अंदर आपको ओप्पो F19 प्रो, F19 और F19 प्लस तीनों स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और एक बजट वाले स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको बहुत कुछ नया कुछ देखने को मिल सकता है कैमरे के अंदर और प्रोसेसर के अंदर। साथ में इसके अंदर ओप्पो एक और अपनी एक और सीरीज लॉन्च करते हैं, ओप्पो फाइंड X3। इसके अंदर आपको ओप्पो X3 Pro दो स्मार्टफोन लॉन्च कर, इसके अंदर आपको 6.7 इंच का 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 120 Hz का रिफ्रेश रेट और प्रोसेसर की बात करें स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट 5G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अपना कहना है ओप्पो X3 फाइंड एक्स के बारे में कमेंट करें जरूर बताइए। वही प्राइस की बात करें गाइस, करीब 25,000 अराउंड इसकी प्राइस हो सकती है। अब चलते हैं वीवो की तरफ। वीवो X60 सीरीज जल्दी लॉन्च हो सकती है। इसके अंदर आपको X60, X60 प्रो और X60 प्लस तीन स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि कैमरे व्यू हमेशा अपनी कैमरे क्वालिटी के लिए जाना जाता है, इस बार कैमरे के अंदर बहुत कुछ शानदार एक्सट्रीम लेवल का आपको जूम वगैरह देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर रहे हैं रियलमी की सबसे वी सीरीज़ के अंदर, V21 इसके अंदर आपको V21 Pro और V21 Plus तीनों स्मार्टफोन आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर, जो कि मार्च और 3rd वीक तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। आपका क्या कहना है वीवो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं बात करें सबसे पहले वन प्लस के बारे में, ये हमेशा अप्रैल के मंथ अंत के अंदर लॉन्च करने वाला था, बट आई थिंक इसे मार्च के अंदर लॉन्च किया जा सकता है वन प्लस 9 सीरीज के अंदर। इसके अंदर वन प्लस 9 प्रो दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। साथ में कंपनी का दावा है कि इसके अंदर वन प्लस 9 लाइट भी लॉन्च किया जा सकता है। आपका कहना है वन प्लस 9 प्रो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। जो एक इसकी प्राइस बताऊँ, 45,000 के अराउंड इसकी प्राइस हो सकती है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं वीवो का सब ब्रांड QI7 के बारे में, इसे भी जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। साथ में इसके अंदर प्रोसेसर ट्रिपलेट 5G के साथ लॉन्च किया, एक 5G हैंडसेट हो सकता है और इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बात करें पोको के बारे में, पोको X3 के बारे में, लोग पोको F2 के बारे में वेट कर रहे थे बट उसका तो अभी कुछ फाइनल नहीं है, बट पोको X3 से जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। ये एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप देखने को जरूर मिल सकता है इसके अंदर। आप मुझे बताइए आपको ये फ़ोन कैसा लगा, कमेंट कीजिए। चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।